सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं सिरोही की एक और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन, बहुत ही प्यारी जगह पे, गंगा जलिया महादेव इसका नाम है। और वहाँ पे भी वाटरफॉल्स वगैरह है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। तो आज हम जा रहे हैं निहित के साथ। लास्ट तक देखना व्लॉग, और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल पे। बहुत तेज बारिश आ चुकी है तो उसके कारण हमें रुकना पड़ा है। यहाँ पे बड़ का पेड़ है और सामने वाला जो रास्ता वहाँ से हम जाएंगे। क्यों? प्राइवेसी कितने कर लेगा खुद लोगों की। बहुत ही ब्यूटीफुल सी लोकेशन पे रुक चुके हैं। और रुके क्यों हैं? क्योंकि दिख गया होगा तुम्हें, निहित हल्का होने गया है। वाह, क्या वादियां हैं माउंट की। और पूरे किले हो चुके हैं हम। तो अभी हम आए थे, बहुत ही प्यारी सी लोकेशन है ये, जो मांडवारिया उड़ का, जो पता नहीं मांडवारिया उड़ नहीं, मतलब ये मंडवाड़ा डैम है। यहाँ पे हमें अंकल जी ने बताया जगह का नाम। हमें रास्ते में मतलब मुझे दिख गई थी तो मैं बोला नहीं चलते एक बार, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। और अब हम अच्छे से थोड़ा वगैरह बना लेते हैं। हाँ, तो अभी हम ऑन द वे हैं गंगा जलिया महादेव की। और ये आप देख सकते हैं कैसा रास्ता है, मतलब पूरा हरा भरा जंगलों के बीच से, मतलब ये भी बेसिकली पूरा रास्ता। यहाँ पे छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है, इस साइड में पानी आ रहा है। ये ऊपर से जो झरनों का पानी आता है वो पानी है। जब बारिश होती है तो ये तेज़ हो जाता है, वरना ऐसे धीरे धीरे चलता रहता है। सामने से गाड़ी आ रही है। इतना कंजेस्टेड रास्ता है, मतलब फिर भी लोग यहाँ पे आते हैं। मतलब काफ़ी लोगों को पता है इसके बारे में। जैसे इससे पहले तो सदगा माता था, उसके बारे में तो पता ही नहीं था जब तक वीडियोज़ वगैरह वायरल नहीं हुई थी। पता उनको था जिनकी कुलदेवी थी, मैंने सुना कि रावलों की कुलदेवी थी सदगा माता, तो उनको पता होगा, बाकी तो पता नहीं है। देर इज़ ए बोर्ड ऑफ गंगा जलिया महादेव, काफ़ी लोगों से इसका नाम सुना था। आज फाइनली हम आ चुके हैं गंगा जलिया महादेव, आज दर्शन वगैरह कर लेंगे। और ये इसका गेट है। तो तुम लोग अगर साइलेंटली सुनोगे तो झरने की आवाज़ आ रही है कहीं से, और आसपास दिख तो नहीं रहा, पर आगे आगे चलते हैं। वाटरफॉल तो होना चाहिए यहाँ पर पक्का। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पता नहीं क्यों मेरे को भूख लगती रहती है सारे दिन। एक तो और बारिश के अंदर भीग गया, तो ये सैल्मन भाई वाली स्टाइल भी हो गई है तेरे नाम। जो आवाज़ आ रही थी पानी की वो यहाँ से आ रही थी। ये जो आप देख सकते हो काफ़ी साफ़ पानी है, ये भी मतलब अंदर पत्थर दिखाई दे रहे हैं, मतलब साफ़ पानी है। बट होप कि इससे भी बड़ा ऊपर होगा, ऑब्वियसली सी बात है, सामने माउंट के पहाड़ है। ये रहा वो वाटरफॉल, तो लग रहा है यहाँ पे मतलब काफ़ी मतलब आवाज़ आ रही है पास से झरने की। और निहित आज लेके आया कैमरा, क्योंकि इसे ये कैमरा बाय करना, तो एक बार ये पहले इसकी ट्राई लेगा आज पूरी, फिर इसको परचेज करेगा। अच्छा कैमरा है, काफ़ी अच्छी डील मिल गई है इसको। भी वाटरफॉल है एक और, मिनी मिनी वाटरफॉल आ रहे हैं, मतलब बड़ा वाटरफॉल पता नहीं यार कब आएगा। बहुत बड़ा है, चलो। ये काफ़ी सीधा पहाड़ है यहाँ पे निहित, काफ़ी सुंदर सा वाटरफॉल है यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब इतना डीप है ये कि इसके अंदर लोग नहा रहे हैं पूरा, मतलब अंदर तक जा जाके। जिनको स्विमिंग आती है वही जा सकते हैं, मेरे को नहीं आती भाई स्विमिंग, तो मैं तो इतना जाऊँगा नहीं। और निहित कपड़े नहीं लेके आया, बाकी काफी अच्छा पौंड है। कुछ भी नहीं है, ये देखो ना, ये लास्ट खत्म है। वो भैया निहित, 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 वो काफी ऊपर से कूदने वाले भैया। और ये कूदेंगे, ये कूदेंगे भैया, कूदो भैया, कूदो भैया, रन अप लेके आओ ना, तो आप पत्थर के टकरा जाओगे। ये भैया आएंगे, ये लोकेशन पे आ चुके हैं। और मतलब लोकेशन में तो बहुत पहले आ चुके थे, मतलब काफ़ी अच्छे झरने, यहाँ पे पानी बह रहा है, काफ़ी लोग नहा भी रहे हैं। तो और अभी हमारे पास कैमरा भी आ चुका है, तो
तो फोटोज वगैरह भी आएगी वगैरह सारी इंस्टाग्राम पे आएगी। इंस्टाग्राम पे जिस जिसने भी फॉलो नहीं किया ना फॉलो कर लेना, हिमांशु के 72 नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। निहित निहित को भी फॉलो कर लेना क्योंकि निहित भी काफ़ी अच्छी रील्स बनाता है, निहित 51 करके इसका इंस्टाग्राम हैंडल है। हम आपको करवाते हैं महादेव जी के दर्शन क्योंकि वो सबसे जरूर वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये रही वो जगह जहाँ पे हम बैठे थे पहले, ये है वो मंदिर। यार चप्पल 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 उतारनी भूल गया मैं। ये है वो मंदिर पूरा गंगा जलिया महादेव। यहाँ पे धोनी चल रही है तब चल रही है ये मंदिर छोटे छोटे। ये महादेव जी का मंदिर है और निहित रील्स वगैरह शूट कर रहा है तो हम आपको दर्शन कराते हैं महादेव जी के। तो ये नंदी जी आपको सब पता है, ऊपर से कुछ ऐसा व्यू आता है इसका पूरा। ओ हेलो ओहो वहाँ भी लोग नहा रहे हैं, मतलब हर जगह यहाँ पे तो लोग नहा ही रहे हैं। मतलब जी ने मना कर दिया वहाँ की वीडियो लेने से, सब लोग जय महादेव कमेंट कर देना ठीक है ना। बारिश में थोड़ा जल्दी आया होता ना, मेरे पास कपड़े वगैरह सब है, मैं बिल्कुल यहाँ पे नहाता थोड़ा बहुत मज़ा आ जाता। मतलब देवता बैठे हेलो। एक और मंदिर है यहाँ पे, मतलब छोटा मंदिर है, पता नहीं किसका है ये गंगा जल महादेव, ये किसी संत वगैरह के हैं। और ये यहाँ से जो भैया कूदे थे इसके अंदर यार कचरा खूब है, पता नहीं लोग फिर भी कैसे नहा लेते हैं। देखो तुम यहाँ पे पूरा मतलब शैम्पूज वगैरह के कचरा ये लोगों ने डाला, तो तुम सबसे रिक्वेस्ट है यार कचरा मत डाला करो कहीं ऐसी जगह आओ तो। देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल है अपन लोगों का ये सब कुछ, अपना ही नेचर है, बट तुम ऐसे ख़राब मत किया करो है ना। ये वही जो मैं सब लोगों को बताता रहता हूँ हर बार जब भी माउंट के पहाड़ों आता हूँ, माउंट के पहाड़ों की सबसे खास बात बादल नीचे आ रहा है। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी देर में मुझे सामने का कुछ नहीं दिखे, इतनी फॉगिंग हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी लोकेशन थी, काफ़ी प्यारी लोकेशन थी। अगर किसी को भी यहाँ पे आना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डालूंगा इस बार सारी उस जगह का, क्योंकि ये जगह ऑलरेडी मतलब गंदी संदी है तो तुम यहाँ पे आके इन्जॉय कर सकते हो अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफ़ी लोग इसको जानते भी हैं। तो ये लोकेशन मैं डाल दूंगा तुम्हारे लिए इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको सॉरी डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीज़ मिल जाएगी तुमको, लोकेशन वगैरह सब मिलेगा तुमको। बाकी अगर तुमको ये लोकेशन अच्छी लगी हो, तुमको ये व्लॉग अच्छा लगा हो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आगे भी ऐसी ऐसी वीडियो आएगी, मैं तुमको पता है एक्सप्लोर करता रहता हूँ ऐसे ज़्यादातर वाटरफॉल्स नेचर वाली जगह पे, तो आगे भी ऐसी ऐसी वीडियो आएगी। तो चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना,